नमस्कार, आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज जो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स एंड फिजिक्स। तो आज हम जो है मैथ्स एंड फिजिक्स में क्या क्या कट ऑफ रहा है और क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है उसको हम देखने जा रहे हैं। वास्तव में जब मैं ये बना रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली मैथ्स एंड फिजिक्स का मैं बना रहा हूँ तो पहले से ही मैथ और जो फिजिक्स के कैंडिडेट्स हैं उनका कैलकुलेशन या उनकी जो एनालाइजिंग पावर है वो मुझसे बेहतर होगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि सूरज को दिया दिखाने वाला, लेकिन फिर भी मैंने अपना प्रयास किया और जो भी डाटा मेरे पास था उन सबको मैंने कलेक्ट किया और उन सबको लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो क्या क्या संभावनाएँ बन सकती हैं उन संभावनाओं को मैं आपके समक्ष रखूँगा और इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में डीवी अपना कराया है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि उनको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे आने वाले समय में कैसा क्या होने वाला है। एक्चुअली वैकेंसी काफ़ी पुरानी है, 6 साल पुरानी है, तो कुछ चीज़ें मुझे मिल भी नहीं पाती हैं साइट से, तो जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उनके लिए मुझे खेद रहता है। और जो मैं डाटा यहाँ इंटरप्रेट करता हूँ, जो भी यहाँ बातें बताई जाती हैं वो जो डाटा अवेलेबल है GSSC के साइट से वहाँ से लेकर के या जो मेरे अपने सोर्सेज हैं उनके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मेरी बताया हुआ कहीं कोई डाटा जो है वो आपसे मिसमैच करे, और मैं कोई ऐसा दावा भी नहीं करता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं सब की सब सही हैं। एक ओवरव्यू, एक आइडिया देने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि आपका जो एनालाइजिंग पावर है वो मुझसे बेहतर है, तो आप उसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो का। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ उनके कट ऑफ को दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड कट ऑफ को देते समय मैं ध्यान रखा हूँ कि ये जो बनाया जाए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया जाए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैथ्स को समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बार बताता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में मैंने इसे रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो कट ऑफ था ये 2 जिलों का है, एक है ग्रीडी है, 186 मार्क्स हैं। ये सामान्य कैटेगरी की बात हो रही है, जो भी डाटा यहाँ बता रहा हूँ सब सामान्य कैटेगरी को लेकर के है। ग्रीडी 186 लास्ट कट ऑफ है और जामताड़ा का भी 186 है। ये जामताड़ा में रेड से क्यों किया है, क्योंकि एक्चुअली ओपन डिस्ट्रिक्ट नहीं था लेकिन फिर भी कटा बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बात है कि झारखंड के बच्चे भी जो है एक टफ कंपटीशन जो है बाहरी वाले बच्चों को भी दे रहे हैं, तो अच्छा संकेत है ये। इसके बाद गोड्डा का 184 है, पलामू का 182 है, धनबाद का 180 है, देवघर का 176 है, रामगढ़ इज 176 अगेन, रांची अगेन 176, रांची भी जो है ये ओपन डिस्ट्रिक्ट नहीं है यानी ये अनुसूचित जिला में आता है लेकिन कटा बहुत अच्छा गया हुआ है, 176 गया हुआ है, हजारीबाग 174 एंड बोकारो देन अगेन रिपीट 174 एंड गढ़वा 172। तो ये कट ऑफ आपके सामने है। यहाँ पर दो जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट ये ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है, मतलब लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंशियल है उनके द्वारा ये फिलअप हो रहा था और ये भी जो है ओपन नहीं था, लेकिन देखिए मार्क्स इनके बहुत अच्छे आए हुए हैं तो एक कड़ी टक्कर मिल रही है। और इसीलिए मैं देख रहा था जो अब्सेंट का परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा कम नहीं था, लगभग 60% बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे। तो ये जो 2 जिले हैं इन 2 जिलों में लोकल बच्चे होने के नाते जो है थोड़ा दिक्कत आई है। और इसके साथ साथ जो बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मैथ्स एंड फिजिक्स के बच्चे जो हैं लगातार प्रयास करते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव माइंड्स के होते हैं, तो 40% जो अब्सेंट हो रहे हैं बाहरी बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं और कुछ लोकल बच्चे जो कहीं सेलेक्ट हो गए हैं इसके नाते जो है आपको 40% जो है फिलहाल जो है बच्चे अब्सेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे इसमें देख लेते हैं और बातें क्या क्या हैं। टोटल जो सीट सामान्य की थी वो 719 था, 719 ये टोटल सीट्स थी
और पास कितने हुए हैं? 2287, तो तीन गुना से ज़्यादा है लगभग, ये थ्री टाइम्स लगभग है, तो फाइट काफ़ी अच्छी खासी है। एक सीट पे तीन की फाइट है, तो मैं इसे बहुत ठीक ठाक मानता हूँ फाइट। और अभी जो सरकार ने डाटा प्रस्तुत किया है कि अगर हम 75% की मेरिट को बनाएं और जितनी सीट है उस पर ही बनाएं, तो 96 बच्चों की नई एंट्री थी। ये बच्चे जो हैं न्यूली एंटर हो रहे थे उस वैकेंसी में, इस 75% में, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बच्चों को कॉल किया था डीवी के लिए। और अगर आप देखें तो लगभग दो गुना, ठीक दो गुना जो है बच्चे कॉल किए गए हैं, 192 सीट के अगेंस्ट जो है 192 बच्चों को कॉल किया गया है, तो ये टोटल का टू टाइम्स है, दो गुना। और इसमें से अगर देखा जाए तो 60% बच्चे प्रेजेंट हैं, 60%, ये 60% बच्चे जो हैं अपीयर हुए और अपना इन्होंने डीबी भी कराया है, यानी टोटल 113 बच्चों ने डीवी करा लिया है जो यहां पे कॉल किए गए थे 192 में। 113 बच्चों ने अपना डीवी कराया, मतलब 113 बच्चे अभी भी प्रेजेंट हैं और अभी भी वो जॉब चाहते हैं, तो 113 बच्चे ऐसे अपने पास हैं। और अगर आप सीट पे कैलकुलेशन कर लिया जाए तो सीट अपने पास कितनी है, तो अगर हम पीआरटी की सीट देख रहे हैं तो ये सीट आपकी 243 है, 243 है, और रिमेनिंग सीट अगर 75% में बच रही है, ये इसकी नॉलेज मेरे को नहीं हो पाई है कि 75% में कितनी सीटें आपके पास बची हुई हैं। मैंने पहले भी रिपीट किया कि वैकेंसी पुरानी है, तो बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ये बात नहीं पता चल पा रही थी कि 75% में सीट बच रही है या नहीं बच रही है। तो जो भी सीट बचेगी, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है कि यदि प्रेजेंट हो तो आप उसको ऐड कर लेंगे। तो 243 सीट्स जो है ये पीआरटी की है, और अगर इस 75% में किसी डिस्ट्रिक्ट में बच रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड अप कर लीजिएगा ऐसा। अब इस सीट पे कैलकुलेशन देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो होने वाला है। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए 113 बच्चे जो डीवी कराए हैं अभी प्रेजेंट टाइम नवंबर के समय में, तो ये 113 बच्चे हमारे पास हैं। 18 पिटिशनर्स हैं, स्टार लगा मतलब पिटिशनर्स हैं, इनकी संख्या वैरी कर सकती है, दो चार और ज़्यादा हो सकते हैं, पांच भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये 18 से 20 या 25 मान के चलिएगा। इसके बाद ये 20 बच्चे यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये 20 बच्चे मैंने दिखाए हुए हैं, हाँ ये 20 बच्चे मैंने ऐसे दिखाए हुए हैं कि हो सकता है कि 75% की जो वैकेंसी चल रही थी तो उस समय उन्होंने डीवी कराया हो, लेकिन कुछ नंबरों के कारण क्या हुआ हो वो बाहर रह गए हो। तो 20 से 30 जो भी संख्या होगी आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, मैं 20 प्लस माइनस 10 मान के चल रहा हूँ, तो 20 से 30 बच्चे हो सकता है छट गए हों उस समय। और उसके साथ ही ये 20 से 30 का मतलब है जो ऊपर के ज़िले हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ, नीचे के ज़िलों का मैं नहीं ले रहा हूँ, जो आपके टॉप मोस्ट ज़िले हैं उनको मैं लेकर के 20 से 30 बता रहा हूँ आपको। हो सकता है ऐसा कि 20 से 30 बचे भी हों, अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा हो तो हो सकता है किसी का सिलेक्शन कहीं पर हो गया हो, तो एक रफली आइडिया माना है मैंने कि प्लस माइनस 20, 10, 30 के आसपास हो सकता है। और ये मैंने जो 82 का डाटा बनाया है, ये 82 का डाटा पीआरटी के लिए बनाया है, ऐसे बच्चे जिन्होंने पीआरटी के अगेंस्ट में जो है अपना डीवी कराया है, 82 प्लस माइनस 10 मैंने रखा है। और ये मैंने किन जिलों से लिया है, तो ये जो जिले हैं टॉप मोस्ट के उनसे मैंने जोड़ा है, जितनी सीट थी उसके अगेंस्ट में मैंने कैलकुलेशन किया है, ये भी टेंटेटिव है, प्लस माइनस हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने मान के चला कि भाई ग्रेडी से हो सकते हैं 10 से 12 बच्चे हों, गुड्डा से 7 से 10 बच्चे हों, पलामू से 10 से 12 हों, ऐसे मान के मैं चला हूँ। धनबाद से मान लीजिए 15 बच्चे हों, देवघर से मान लीजिए 8 बच्चों ने डीवी कराया हो, रामगढ़ से 4 बच्चों ने डीवी कराया हो, हजारीबाग से 8 बच्चों ने डीवी कराया हो, कब, जब पीआरटी पे डीवी हो रहा था, तो मतलब 2 साल पहले। और बोकारो से हो सके 8 बच्चों ने कराया हो, ऐसे गढ़वा से मान लो 10 बच्चों ने कराया हो, तो इन सबों की जोड़ करके मैंने बनाया कि लगभग ये 82 प्लस माइनस 10 हो सकते हैं। और अगर इसको मैंने ऐड कर लूँ 113, 18 और ये 20 और ये 82, तो ये जो डाटा पहुँच रहा है ये पहुँच रहा है लगभग कितने का, 233।
तो लगभग 233 पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है कि जो भी बच्चा ग्रीडी से पीआरटी पे कराया है उसकी जॉब पक्की है, उसका होने वाला है। जामताड़ा का अगर बच्चा है और अगर उसकी रेंज जो मुझे समझ में आ रही है, अगर यहां तक की रेंज आ जा रही है, ये यहां तक मैं सेफ मान रहा हूं, 274 या 272, ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है कि हो सकता है मेरिट यहीं कहीं पर रुकनी चाहिए, 274 या 272। तो अगर बच्चा जामताड़ा का भी है और अगर इसके रेंज में आ रहा है, वो बच्चा भी सेफ है। गुड्डा का बच्चा अगर पीआरटी का है, सेफ है, इस रेंज में आ रहा है तब पर भी सेफ हो जाएगा। पलामू का जो पीआरटी है सेफ है, रेंज भी सेफ होना चाहिए। धनबाद का बच्चा पीआरटी का सेफ है, देवघर का पीआरटी का बच्चा सेफ है, रामगढ़ का पीआरटी का बच्चा सेफ है, इस रेंज में अगर आ रहा है तब पर भी मैं सेफ मान रहा हूँ। रांची का बच्चा भी सेफ है, इस रेंज में अगर आता है। हजारीबाग का पीआरटी का बच्चा सेफ है, साथ में रेंज में आए। बोकारो का बच्चा भी सेफ है पीआरटी का और अगर 274 के आसपास है तो। गढ़वा लोग, गढ़वा को लेकर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि गढ़वा का जो पीआरटी का बच्चा है 272 के नीचे है, तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है कि 272 तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 272 हो सकता है। अगर यहाँ पे सीट्स देखें, अभी इसमें सीट्स देखें 10 सीट्स बाकी हैं, ये 10 सीट बाकी हैं और मेरा प्रोडिक्शन जो है 274 से 272 के बीच में है। अगर ये 10 सीट के साथ कुछ और प्लस हुआ, कुछ और भी सीटें प्लस हो रही हैं, तो ये बच्चा भी श्योर हो जाएगा, गढ़वा का बच्चा भी, तो गढ़वा का बच्चा भी आ जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे बोलने में कष्ट हो रहा है कि चतरा का बच्चा या फिर कोडरमा का बच्चा, अगर यहाँ का पीआरटी का बच्चा अगर डीवी करा लिया है तो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ उसके लिए। और खेत के साथ कह रहा हूँ कि शायद यहाँ तक सामान्य का मेरिट जो है थोड़ा सा जाने में मुझे दिक्कत लग रही है। फिर भी कहते हैं ना कि भाई विश्वास पे दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो एक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ तक का तो मैं ले रहा हूँ कि यहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए जिस हिसाब से सीट का कैलकुलेशन चल रहा है। ये कैलकुलेशन मेरा खुद का है, आपका, मैं बार बार ये बात को रिपीट करता हूँ कि आपका कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट हो सकता है और उस तरीके से आप इसको एडअप कर सकते हैं। तो ये कुछ कुल मिलाकर के मैथ्स एंड फिजिक्स के बारे में था, और आने वाले समय में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा मेरा खुद की तबीयत नहीं ठीक थी, इधर थी थोड़ा फीवर था, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ और आप लोग के दुआएं भी साथ में रहती हैं तो अभी बेटर फील कर रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ मैं ये कल ही आपको डाल देता, लेकिन मेरे पास समय कल नहीं था और थोड़ा मुझे अनफील में कर रहा था, तो आज मैंने इसको डाला है। साथ में कॉमर्स का मैंने बना दिया है, कॉमर्स भी हो गया है, रेडी है, और म्यूज़िक एंड संस्कृत ये सब पाइपलाइन में है। तो जल्दी ही मैं इन सब्जेक्ट्स का भी आपको एक टेंटेटिव आइडिया देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इसी शब्दों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।